बाई वाई वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bancha solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहे सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनों नेपाल आपनों गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। आंसुओं को पलकों तक लाया न करो, दिल की बात किसी को बताया न करो। लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, अपने जख्म किसी को दिखाया न करो। जिया कि आप सब जानो हो, काल 21 जून 2015 पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित तिथि। योग प्राणायाम चाहे कोई भी मजहब को या कोई भी धर्म को आदमी हुआ या इंसान के लिए शारीरिक स्वस्थता को एक बहुत अच्छो साधन, और योग के माध्यम से अपने आप ने सकारात्मक सोच की तरफ भी लियो जा सके है। इतनों कहते हुए अब आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने अतिथि है जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी, जो कि भानुपुरा पीठ मध्य प्रदेश भारत का पीठाधीश्वर है। आओ कार्यक्रम में उन्होंने स्वागत करा और इना से धर्म लगाए विविध विषय में बातचीत करांगा। गुरुदेव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुरुदेव आप एक टीचर और जर्नलिस्ट, वहाँ से बदल कर ये यात्रा कैसे? भाग्य एक बहुत बड़ा कार्य करता है मनुष्य के जीवन में। हम ही नहीं, पश्चिम के लोगों ने भी इसको स्वीकार किया। शेक्सपियर ने कहा डेस्टिनी इज कैरेक्टर, थॉमस हार्डी ने कहा कैरेक्टर इज डेस्टिनी। तो वेदर इट इज डेस्टिनी इज कैरेक्टर और कैरेक्टर इज डेस्टिनी, इन बोथ डेस्टिनी इज ए कॉमन फैक्टर। आई वॉज ट्रेन टू बी ए सोल्जर। I'm a product of Sainik schools, and not one school but two schools, Sainik school Bhubaneswar and Sainik school Purulia. Bhubaneswar is in Orissa, Purulia is in West Bengal. But I couldn't join army. Maybe I was medically disqualified. My height is a little short. That could have been improved had I joined NDA, but then eyesight, उसमें color blindness है, और army के लिए color blind होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जब मेरा medical हुआ, I couldn't differentiate between peacock green and purple green. तो इसलिए नहीं जा पाया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से, और एमए की पढ़ाई की नेहू से, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, विच वाज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर मेघालय एंड नागालैंड, और गुवाहाटी से ही बाइफर्केट हुई, तो वहाँ से एमए तक की पढ़ाई की। फिर कुछ दिन टीचिंग प्रोफेशन में रहा, और लॉ स्टडी करने के लिए मैं आया, और तभी बड़े अच्छे अच्छे पत्रकारों से मेरी भेंट हुई।
इंडियन एक्सप्रेस के मलवलकर जी से बड़े अच्छे वो रहे, और कुलदीप नैयर साहब से भी मेरा संपर्क रहा। शिष्य तो नहीं कह सकता, पर शिष्य ही कहना उचित होगा। तो दिल्ली में रहते हुए वो बीबीसी की थे टोनी, पूरा नाम क्या है उनका भूल गया, तो उन लोगों से संपर्क रहा इंडियन कॉफ़ी हाउस में। अब तो ख़त्म हो गया इंडियन कॉफ़ी हाउस, पर उन दिन दिल्ली में इंडियन कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उन लोगों से। तो कुछ दिन जर्नलिज्म में भी रहा और स्टडी भी करता रहा, पर मैं यही कहूँगा कि ईश्वर नहीं चाहते थे मैं उस तरफ जाऊँ, इस तरफ आऊँ। मेरे पिताजी कुछ और चाहते थे, मेरे पिताजी चाहते थे मैं सिविल सर्वेंट बनूँ, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दूँ, और मैं स्वयं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होना चाहता था ऑल इंडिया रेडियो में। क्यों? मेरी रुचि जब जर्नलिज्म में हो गई तो फिर आई वांटेड टू गो टू दैट साइड, और दोनों के लिए मैंने फॉर्म भी भर दिए और बाबू जी को पत्र भी लिख दिया। बाबू जी हमारे नागालैंड में थे, ही वॉज इन नागालैंड स्कूल सर्विस, ही रिटायर्ड एज डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। तो मैंने लिख दिया कि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। अब सारे पर्सनल क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ज़्यादा नहीं, लेट्स स्विच ओवर। जस्ट आई एम आस्किंग इज कि भाई चेंज ओवर क्यों, बस इतनी बात। नहीं, चेंज ओवर जो है अपने आप हुआ, वही मैं बता रहा था। तो बाबू जी ने कहा, एक ज्योतिषी हैं त्रिलोक चंद उनका नाम था, अब तो डेथ हो गई, एक अब तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, उस समय तो तहसील थी गाजियाबाद जिले की, तुम उनसे ज़रूर मिलो और वो जो कहें वो करो। तो मैं गया, वहाँ पैदल चलना पड़ता था 3-4 किलोमीटर पैदल। अब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वो कहीं और गए हुए हैं, वो दूसरे गांव में पहुँचा, वहाँ भी पता चला कि वहाँ नहीं है। तो एक कस्बा है पिलखुआ, उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं, क्योंकि कपड़े का बहुत काम है वहाँ पर, हैंडलूम का। तो उनसे जब मिला तो उन्होंने मेरे से कहा, तुम हनुमान चालीसा 108 बार 21 दिन कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने की 21 दिन नहीं की, 11 दिन की, और उसी वर्ष मैंने घर छोड़ दिया। एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए, दोनों ही एग्ज़ाम नहीं दिए, लॉ का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, और घर छूट गया। मैं सोचा करता था, ये पंडित जी ने हनुमान चालीसा कराई, मैं तो नौकरी के लिए कर रहा था और घर छूट गया। अच्छा, घर छोड़ने के बाद से लेकर आज तक आई नेवर रिपेंटेड, आई हैव एंजॉयड माई लाइफ एज ए सन्यासी, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एज ए सन्यासी। वो जो निर्णय था उससे मतलब आप खुश हैं? खुश हैं, किंतु मैं ये सोचा करता था, ये हनुमान जी ने क्या किया? तो भागलपुर बिहार में मेरा चतुर्मास था, मेरे ख्याल से 2002 की बात है शायद, नहीं 2004 की बात है, 2004 की बात है, मेरा चतुर्मास भागलपुर में था, और वहाँ सेंट्रल जेल में मेरा एक कार्यक्रम था। तो वहाँ मेरे प्रवचन के बाद हनुमान चालीसा हुई, और वहाँ एक लाइन आती है, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हुई। तो मैंने कहा हो तो गया, किसी वैसी जेल में तो बंद नहीं था, पर संसार अपने आप में जेल छुड़ा दिया। संसार को आप जेल बता रहे हैं? क्या जेल तो है ही,
तो बाकी यहाँ जो रहते हैं सन्यासी के अलावा वो सारे कैदी हैं और क्या भाई। देखो ये संसार उल्टा है, जन्म को खुशी का अवसर मानता है, मृत्यु को दुख का अवसर मानता है, पर वास्तव में जन्म दुख का कारण है और मृत्यु सुख का कारण है। क्यों आप ये कहना चाहते हैं कि जन्म से दुख शुरू? नहीं, कोई भी पंछी किसी पिंजरे में रहना चाहता है क्या? नहीं चाहता। हमारी आत्मा भी तो एक पक्षी है, वो इस पिंजरे में रहना चाहती है क्या? मुक्त होना चाहती है, इसलिए तो मृत्यु है। इसलिए भगवान शिव को क्यों शिव कहा गया? शिव का मतलब है कल्याण, मृत्यु कल्याणकारी है और जन्म अमंगलकारी है। सारे दुख तो जन्म के कारण हो रहे हैं। इस संसार में जितना भी दुख प्राणी उठा रहा है वो तो दुख के कारण, वो जन्म के कारण उठा रहा है। तो मुझे अलग कर दिया, छूट ही बन दी और महासुख हुई। भाई इससे बढ़कर और सुख क्या मिल सकता था? तो एक छोटी सी पुस्तक सनातन धर्म की, सबसे छोटी, वेदों से लेके अगर चलें तो नीचे हनुमान चालीसा पे आके हम चैप्टर क्लोज करते हैं, सबसे छोटी है। उसका इतना प्रभाव मैंने जीवन में देखा। तो फिर आज वो एक पहले जी कह रहे थे वो कोटि रुद्र यज्ञ होना चाहिए, विश्व की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी अगर संकल्प है। तो इसलिए मेरे साथ अपने आप हो गया घटित, ना मैंने उसके लिए कोई प्रयत्न किया ना कुछ किया। हाँ इतना जरूर था कुछ महात्माओं से मैं प्रभावित हुआ। मैं एक आर्टिकल लिख रहा था मॉडर्न सेंट्स ऑफ इंडिया, जो फिर लिखा ही नहीं मैंने। उन दिनों ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, उसके अध्यक्ष थे स्वामी चिदानंद जी, मैं उनसे मिला एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाई हिज पर्सनैलिटी। अब तो नहीं रहे वो, पर मैं उनको लिविंग गॉड मानता रहा जब तक वो जिंदा थे। फिर गणेशपुरी में स्वामी मुक्तानंद जी से मैं मिला, वो सिद्ध योग के प्रवर्तक थे। पुटपर्ती में मिसेस साई बाबा से भी मिला। सोशल वर्क बहुत किया उन्होंने, उस क्षेत्र को उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ किया। उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज बना दिया, उन्होंने वाटर वर्क्स में जो काम किया और वहाँ के लोगों के लिए जो गरीबी को उन्होंने कम करने की, हाँ सबको मिडिल क्लास फैमिली तो बना ही दिया उन्होंने। तो डेफिनेटली वो सब कार्य उनके मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ऑफकोर्स मैं कभी उनको भगवान मानने के लिए तो कभी तैयार नहीं हुआ, पर ही वॉज गुड सेंट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, लेकिन ब्रेक से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, मलमास लाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए चतुर्मास, अप्सन बी माधव महिना, अप्सन सी मधुमास र अप्सन डी पुरुषोत्तम महिना। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई कलर्स मोबाइल X14, प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजी को हटपट, प्रत्येक महीना एक जनालाई। विजेता को नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ।
brought to you by YY Gyan Jyoti. यसको कुपन चमत्कारी छ. YY Gyan Jyoti पुस्तकालय. शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल. Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है. अभी आप बातचीत कर रहे हैं जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी से और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ाओ. आपने जो एक डेस्टिनी की बात शुरू में कही कि भाग्य सब कुछ, भाग्य भी कुछ है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मेहनत करो, भाग्य उसमें साथ जरूरी नहीं, मतलब भाग्य का कोई रोल नहीं. भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल आज तो नहीं मिलेगा. व्हेन यू सी ए सीड यू डोंट रीप इट एट दैट टाइम, इट टेक्स टाइम. तो वो जो जब रीप करते हैं ना वो डेस्टिनी है, और जो सीड सो किया गया है वो कर्म है. तो कर्म और भाग्य, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए वो डेस्टिनी बन के हमारे सामने आ गई, और आज जो हम उस डेस्टिनी का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा नया कर्म, नया भाग्य का निर्माण कर रहा है. जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, मुझे 1,00,000 रुपये मिला सपोज आज, दैट वॉज डेस्टिनी. अब उस 1,00,000 रुपये का मैं उपयोग क्या कर रहा हूं? मैं उस 1,00,000 रुपये को लोगों के लिए खर्च कर सकता हूं, गरीबों के लिए कुछ कर सकता हूं उससे, और मैं प्रोस्टिट्यूशन भी कर सकता हूं उससे, मैं शराब भी पी सकता हूं उससे. तो एक नया कर्म बन गया, नहीं बन गया, वो मेरी आने वाली डेस्टिनी को क्रिएट कर रहा है. तो डेस्टिनी और कर्म दोनों को अलग नहीं किया जा सकता. डेस्टिनी ने मुझे सन्यासी बनाया, और सन्यास लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूं आज, वो एक आगे का भाग्य निर्धारण करेगा, निर्धारण कर रहा है. मुक्त भी हो सकता हूं, स्वर्ग को भी जा सकता हूं, अगर थोड़ा नीचे रह गया तो स्वर्ग, और अगर पतित हो गया तो नर्क भी मिल सकता है. नर तन सम नहीं कवनो देही, जीव चराचर जाचत ते ही, स्वर्ग नर्क अपवर्ग निसेनी. ये सीढ़ी है, ये स्वर्ग को भी पहुंचा सकती है, ये नर्क में भी डाल सकती है, और ये मोक्ष भी प्रदान कर सकती है. तो डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया. अब इसका मैं प्रयोग कैसे कर रहा हूँ ये आगे की बात है. तो दे आर इंटरडिपेंडेंट. हम ये नहीं कह सकते कि डेस्टिनी को नहीं बदला जा सकता, डेस्टिनी को भी बदला जा सकता है, और कर्म से भी. दो बातें हैं. भगवान शंकर ने जब सती राम की परीक्षा लेने के लिए गई तो एक लाइन कही उन्होंने, होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ाओ ही साखा. ये क्या है? जब सारे प्रयत्न करके देख लिए और वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा अब इसका भाग्य है, जो भाग्य है वो होगा. निषाद ने जब लक्ष्मण से कहा कि कई ने बहुत बुरा किया राम को वन भेज के, जबकि लक्ष्मण केकई के लिए बहुत अच्छे भाव नहीं रखते थे, अयोध्या से जब चल रहे थे उन्होंने कहा मैं राज्य दिलाता हूं तुम्हें सेनापति होने के नाते, सैन्य शासन डिक्लेयर कर दो. किंतु जब निषाद ने ये कहा तो उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट किया, और तब कहा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो फल तस फल चाखा. वहाँ कर्म की थ्योरी आ गई, वहाँ डेस्टिनी की थ्योरी थी, यहाँ कर्म की थ्योरी है.
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड रियलाइजेशन. दो चीजें हैं. हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, सारी मेहनत करता है, अंत में जब देखता है कि कुछ नहीं होगा तो क्या कहता है, अब ऊपर वाला जाने पर भरोसा रखो. तो ये ऊपर वाले पर भरोसा रखो इज डेस्टिनी, और उसने जो प्रयत्न किए हैं वो कर्म है. अभी एक चीज हमने सुना, जैसे धर्म परिवर्तन जो कराया जा रहा है हमारे हिंदू धर्म के लोगों को अन्य धर्मों में, लेकिन हमने ये देखा कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े जो अन्य धर्म से हमारे हिंदू धर्म में आए, ये कैसे संभव? ये भी उनकी डेस्टिनी कहूँगा कि दे बिकेम हिंदूज. एक्चुअली दे मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम एट ऋषिकेश. जो ग्रुप है ये ऋषिकेश में मुझे मिला, और मेरा एक लेक्चर चल रहा था उसमें परमार्थ निकेतन में. तो उसको सुनने के बाद, यद्यपि ये इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं जानते, ब्रोकन इंग्लिश है इनकी, किंतु कुछ समझ गए और ये मेरे से मिलने मेरे कमरे में आए. तो करीब 60 ऑफ देम, ये तो अभी यात्रा पर जा रहे थे, कम लोग थे, वहाँ काफ़ी लोग हैं. मेरा जब लेक्चर हुआ तो हॉल फुल हो जाता है वहाँ भी, जबकि इंग्लिश डायरेक्ट नहीं समझ पाते. मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ और ये ट्रांसलेट होता है स्पेनिश में. तो और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो वो भी वो लोग स्पेनिश में क्वेश्चन करते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है. फिर बट देन वहाँ जो है इन्होंने मुझे 3-4 बार बुलाया भी है. और वेनेजुएला में इन्होंने पारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, और इक्वाडोर में भी पारदेश्वर शिव की इन्होंने स्थापना कराई. लेकिन ये आए इसमें परिवर्तन इनमें कैसे आया? वो मैं बता रहा हूँ ना, डेस्टिनी है. इट्स अ डेस्टिनी, मतलब एक्सीडेंटली दे मेट मी. सो एक्सीडेंटली दे मेट इज अ डेस्टिनी, इज डेस्टिनी. एंड देन स्लोली 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 वी केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, एंड अल्टीमेटली यू नो दे एक्सेप्टेड हिंदुइज्म एज देयर रिलीजन. ये पंच महाअग्नि तप ये क्या है? सूर्य की गर्मी, पृथ्वी की गर्मी जेठ के महीने में, शरीर की गर्मी, और चारों तरफ ये गाय के उपले कंडे कहते हैं आपके राजस्थान में, वो चारों तरफ. और शुरू होता है करीब करीब 5 उपलों से, और 84 उपलों पे जाके होता है. तो एक तरह से यू नो चारों तरफ आपके 84 वो हों धुने एक तरह से, और उसके बीच में आसन हो. तो एक तरह से भट्टी में बैठना होता है. तो ये पंचाग्नि, उसकी उपलब्धि क्या? उसकी उपलब्धि, मैं अंग्रेजी का आदमी शंकराचार्य बन गया, इससे बढ़कर उपलब्धि और क्या गिनाऊं तुम्हें. प्लेन स्पीकिंग. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, लेकिन ब्रेक से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार. यो हप्ता को दर्शक प्रश्न, मल मासलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए चतुर्मास, अप्सन बी माधव महिना, अप्सन सी मधुमास, र अप्सन डी पुरुषोत्तम महिना. दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्.
brought to you by YY Gyan Jyoti. यसको कुपन चमत्कारी छ. YY Gyan Jyoti पुस्तकालय. शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल. Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bancha solid cement. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है. अभी आप बातचीत कर रहे हैं जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी से और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ा. ज्योतिर्मति कल्प ये क्या है? एक औषधि है जो प्रज्ञा जागरण के लिए प्रयोग होती है. इट्स पॉइजन. इवन देन इट हैज टू बी यूज्ड. नहीं पता नहीं वो मेरे दिमाग में कीड़ा उछल गया कि करना है, यही कहूँगा. और पहले ड्रॉप बढ़ती है उसकी. इट्स ऑयल जो कि ज्योतिर्मती बीज से निकाला जाता है. उसको गाँव की भाषा में मालकंगनी कहते हैं. काले रंग का होता है तो उसका वो क्या कहते हैं ऑयल निकाला जाता है और 5 ड्रॉप से प्रारंभ होता है मिल्क में. और मिल्क भी ओनली 100 ml, नॉट मोर देन दैट. तो 5 ड्रॉप से शुरू हुआ, फिर बढ़ता चला जाता है. तो फिर वो 21 डेज तक बढ़ता है और फिर उसी क्रम से फिर नीचे आता है. तो जब वो बढ़ता है ना तो 5, then 10, then 15, then 20 इस तरह से. और जब वो डबल फिगर्स में पहुंचता है तो इतनी अग्नि शरीर में हो जाती है कि वो बर्दाश्त करना बहुत कठिन हो जाता है. मेरा भी ये सारा शरीर जो है गल गया था एक तरह से उन दिनों. और 12 घंटे तो पानी में बैठना पड़ता था वो अग्नि शांत करने के लिए. अग्नि शांत करने के लिए किंतु भगवान की कृपा थी, पूरा हो गया. किसी भी एक देश को धर्म निरपेक्ष होना या धर्म सापेक्ष होना, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसका तो यह मतलब हुआ ना कि हमारी आवाज़ कम हो गई थी. 85% होते हुए भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी. आपके आपकी बात को मैं ऐसे समझ सकता हूं कि स्वच्छ मन से अगर हो तो धर्म निरपेक्षता कोई खराब नहीं. पोलराइजेशन ऑफ वोट, उसका डर सबको खाता है. तो राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे काम कर रही है. नेपाल में पिछले दिनों जो त्रासदी आई, इसका आप धार्मिक रूप में क्या कारण मानते हैं? हम कहाँ पे चूक है कि हम लोगों को विश्वास दिला नहीं पाते? व्हाट एवर जस्ट यू सेड, नेपाल का जो डिवास्टेशन हमने जो देख लिया है, ये अंत है या अभी बाकी है? लेकिन अभी आपने जो कहा, जो रह गए उनके आंसू देखे नहीं जाते, उन्हें पूछने के लिए क्या किया जा सकता है? नेपाल की जनता को आपका क्या संदेश? हमारे इस कार्यक्रम से बातचीत करने के लिए मैं आप पर आभार व्यक्त करता हूँ. दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था शंकराचार्य जी से, आप लोग इना की बातचीत ने सुनिया और ये जो बात करया है इन पर जरूर से मनन करोगा. इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार. गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, जुन 21 तारिख का दिनलाई कुन अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मान्यता दिइएको हो? अप्सन ए अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस, अप्सन बी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, अप्सन सी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अप्सन डी अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस. यसको सही उत्तर हो अप्सन बी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस. दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 41 32 66 85
98 41 28 67 71 98 41 56 17 70 98 5 10 37 41 98 4 30 0 93 49 सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ताहरू 98 18 24 77 53 98 41 54 47 75 98 41 32 59 50 98 0 89 40 3 80 98 43 58 4 सिजीको हटपट प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ 98 5 10 43 5 12 आईएफबी को माइक्रोवेव ओभन पाउन सफल हुनु भएको छ 98 60 18 56 17 बधाई छ यो हप्ताको दर्शक प्रश्न मलमासलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ अप्सन ए चतुर्मास अप्सन बी माधव महिना अप्सन सी मधुमास र अप्सन डी पुरुषोत्तम महिना दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई कलर्स मोबाइल एक्स 14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई सीजी को हटपट प्रत्येक महीना एक जनालाई विजेता को नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही मनभी इजाजत दियो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल @himalayatv.com पर और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना अगर कोई एपिसोड देखना हुआ है तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो नमस्कार